दोस्तों ये है हमारे शहर का सबसे महंगा पान। ओ मैडम चलो पान दोगे कि नहीं? इसके सामने पैसा फीका पड़ रहा है। गिर उड़ना चाहिए, बहुत महंगा है। अपने ससुराल वालों को ऐसे ही दूंगी। साइलेंट हो गई। 17 साल पहले स्वर्गीय श्री गणेश सिंह जी दिल का दौरा पड़ने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। पीछे छोड़ गए थे अपना परिवार और पान का बिजनेस। उनके जाते ही सारी जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे अनुज पे आ गई थी, जो कि तब सिर्फ 14 साल के थे। फिर अनुज ने फैसला किया कि वो अपने पापा के इस बिजनेस को अपने दम पे आगे लेके जाएंगे। धीरे धीरे अनुज ने अपने इस बिजनेस को अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ाने लगे। इस बीच उनके दो छोटे भाई गुड्डू और विकास भी बड़े हो गए थे और उन्होंने अपने बड़े भाई को इस बिजनेस में हाथ बटाने का फैसला किया। और आज तीनों भाइयों ने अपने मेहनत और लगन से पूरे शहर में एक अलग ही पहचान बना लिया है। लग्जरी पान का एक लौता ठिकाना हो गया है अनुज पान। और जब हमें खबर मिली कि हमारे शहर में सबसे महंगा पान भी यहीं मिलता है, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और भागे चले आए रौरकेला के पावर हाउस रोड में मौजूद मंगल भवन में, जहां गजानंद वैरायटी स्टोर के ठीक सामने तीन भाई आपको एक दुकान में नॉन स्टॉप काम करते नजर आ जाएंगे। वो है अनुज पान की ये दुकान। अरे यार, वहाँ पहुँचते ही हमारा स्वागत मशहूर फायर पान के साथ किया गया, जो कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल है और ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। अरे खाओ जल्दी, चबो चबो चबो। गजब, जल गया मुँह। इसकी तो गई भाई बैंक वाली। साइलेंट हो गई। भाइयों को ऐसे पान बनाता देख हमारी वाइफ को भी मन किया कि एक पान बनाने में वो भी अपना हाथ आजमाए। तो हम पहला एक पान खाने वाले जो हमारी मिसेस ने बनाया है। ओ मैडम चलो पान दोगे कि नहीं? हाँ दियो, थैंक यू। दोस्तों पान की लालिमा से हर किसी ने अपना मुंह कभी ना कभी लाल तो किया ही होगा। भारत में पान हमारे खाने की आदत ही नहीं बल्कि ये हमारे संस्कृति का भी एक हिस्सा है। हमारे पास 20 रुपए से लेके 1100 तक के पान अवेलेबल है। शादी ब्याह में हम यहाँ से ऑर्डर जितने भी 200, 250, 300, 500 यहाँ तक के 1500 तक बनाए हैं। पान पूजा में भी काम आता है और बातों और गप्पों में भी। चॉकलेट पान, पाइनएप्पल पान, मैंगो पान, स्ट्रॉबेरी पान, खस पान, चटनी, नॉर्दर्न चटनी, ऐसे चटनी में जितने भी आप हार्ड चटनी ऐसे लेके जी बिल्कुल। मेरे दुकान का सबसे महंगा पान है, ज्यादातर ये फर्स्ट नाइट में कफल पान ऐसे ज्यादातर जाते हैं। तो गाइस अभी जो आप देख रहे हो ये सबसे महंगा पान अभी बन रहा है। पान का सेवन हमारे हिंदुस्तान में पिछले हजारों सालों से होते आ रहा है और आजकल पान की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि एक पान की दुकान आजकल किसी शोरूम से कम नहीं लगता। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पान को खाना पचाने में मददगार माना जाता है। ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, साथ ही एक माउथ फ्रेशनर का भी काम कर जाता है। इसी वजह से आजकल यंगस्टर से लेकर बूढ़े तक सबको पान पसंद आते हैं। ये भी एक वजह थी जिसके वजह से हम आज अनुज पान की तरफ खींचे चले आए। पान के ऊपर इतनी सारी क्रिएटिविटी भी हो सकती है, इससे पहले हमें नहीं पता था, जो देख हम खुद हैरान हो गए थे। दोस्तों आजकल तो च्यवनप्राश की तरह पान में भी सोने और चांदी मिलते हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर पान के प्रति प्रेम और बढ़ गया होगा और मैं चाहूंगा आप सब अनुज पान में आए और अपनी पान खाने की जो हसरत है पूरी करें। इसके सामने पैसा फीका पड़ रहा है। बट लग रहा है नहीं, 1100 का लग रहा है भाई। बट हमने सोचा नहीं था ना ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर हम लोग को दिखने मिलेगा पान का। मन करे इसको इसको पैक करके घर में बस रख के इसको देख के ही खुश हो जाएं, बस दैट्स ऑल। ये ऐसे दिख रहा है ना, लोग इसको बस हाथ में लेके पकड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। गिर उड़ना चाहिए, बहुत महंगा है।
भाई इसको पकड़ के पूरा अमीरी वाला फील आ रहा है यार, जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में मैं पहुंच गई और मुझे है कि पान ऐसे दे रहे वो लोग। तुझे मैं इसीलिए जान मुझके यहाँ लाया हूँ तुझ गरीब को। हाँ, मैं ना इनको अपने शादी के लिए फिक्स कर रही हूँ, ऑर्डर तो दूंगी ही पक्का, यहाँ यहीं से पान जाएगा मेरा, यहीं से अपने ससुराल वालों को ऐसे ही दूंगी। ससुराल वालों को पान खिलाएगी? ऑब्वियसली। ओके ग्रेट। पान बहुत अच्छी चीज होती है, राइट, शरीर के लिए भी और रिश्तों में मिठास भी बढ़ाती है। रौरकेला में मैं पहली बार ऐसे दिख रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था कि ऐसे भी पान बेचा जा रहा है। ये तो हम लोग पान को पूरा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पान एंड ये पूरा गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए भी बहुत सही है। एक बार आप हमारे दुकान पे पान खा कर जाइए, हम वादा करते हैं आप हमारे पान के दीवाने हो जाएंगे। हमें आपका इंतजार रहेगा।